वेलकम टू निरोग श्री वीडियो सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। स्पॉन्डिलाइटिस एक इंफ्लेमेटरी डिजीज है जो आजकल इंडिया में 180 मिलियन लोगों को परेशान कर रहा है। हमारे साथ है डॉक्टर शालु गर्ग, जो हमें बताएंगे हम कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे यूथ अपने डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इससे बच सकते हैं। वेलकम टू निरोग श्री मैम। हेलो एवरीवन। सो इट्स इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, राइट? बिकॉज आजकल हर जनरेशन फ्रॉम बच्चे से लेकर किसी भी स्टेज तक चले जाओ, सब लोग नेक पेन से परेशान है। वो किसी भी, इसका कोई भी रीज़न नहीं है। देयर आर कपल ऑफ रीजंस आल्सो, लाइक सबसे बड़ा रीज़न जो है पोस्चर, राइट? बैड पोस्चर्स में मैक्सिमम सब पूरा दिन लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, या लैपटॉप नहीं है, वीकेंड्स है, मूवीज चलती हैं, बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं, या मीन्स लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक ही पोजिशन में हम बैठे रहें तो उससे मस्कुलर स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, दैट कॉजेज पेन। इसके बहुत सारे टाइप्स है स्पॉन्डिलाइटिस के। इसमें जब स्टार्टिंग में, एक तो जब मस्कुलर इंफ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, स्टिफनेस होने शुरू हो जाती है, तो वो पेन पेन स्टार्ट करता है। और पेन, उस टाइप पे पेन को इग्नोर किया जाए, देन इट फर्दर क्रिएट्स सम अदर इफेक्ट्स। लाइक पहले स्टार्टिंग में कंप्लेनिंग होती है कि थोड़ा सा नेक पेन हो रहा है, नेक मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा कुछ भी नेक बेंड करो या किसी भी साइड में नेक को हम मूवमेंट करते हैं तो इट कॉज सिंपल डिस्कम्फर्ट, राइट? इफ वी इग्नोर दैट डिस्कम्फर्ट, देन इट क्रिएट्स पेन। बिकॉज क्या होता है कि एक ही पोजिशन में, हम एक ही पोस्चर में लगातार बैठे रहते हैं तो उससे वो मसल स्टिफनेस आने शुरू हो जाए, राइट? वो मसल स्टिफनेस को अगर इग्नोर करें, देन इट क्रिएट्स, तो आसपास की मस्कुलर स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, तो उससे फर्दर शोल्डर पेन आना शुरू हो जाए, हेडेक हो एंड चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, हाथों में टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट? नमनेस। तो देयर आर वेरियस थिंग कि एक स्टार्टिंग में, एक अगर हम उसको इग्नोर करें स्टार्टिंग के डिस्कम्फर्ट को, तो वो फर्दर आगे उसके कई पोस्चर हो सकते हैं। एंड देन फिर उसके इन्वेस्टिगेशन में हम लोग घूमते हैं पेशेंट्स की, पहले पेन को इग्नोर किया, देन वो फर्दर फिर उसके जैसे मसल्स में स्टिफनेस आती है तो इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, राइट? तो वर्टिब्रल कॉलम पे जब प्रेशर पड़ता है, देन इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द नर्व्स ऑल्सो, तो वो कहीं ना कहीं नर्व प्रेस होने शुरू हो जाती है, देन फिर वो डिस्क प्रोलैप्स आता है, उसकी वजह से फिर आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। मैम, जैसे कहते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस एक अर्थराइटिस की तरह ही है, उसी का ही पार्ट है, तो क्या स्पॉन्डिलाइटिस में भी बोन डेंसिटी कम होना या वीकनेस होना बोन्स में ये रीज़न है? जी, सबसे पहले बेसिक रीज़न जो है वो मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से। मस्कुलर स्टिफनेस वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, एंड देन फिर वो जब वर्टिकल कॉलम पे प्रेशर पड़ता है, देन पीपल से कि वो डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, राइट? एंड C4 में, C5 में, या C6 C7 में, देर आर सर्वाइकल वर्टिब्रस, उनमें फिर वो प्रेशर की वजह से डिस्क प्रोलैप्स होता है, राइट? एंड उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है, डिस्क का जो स्पाइनल कॉर्ड है अपने, उसका कर्वेचर चेंज होना, समटाइम्स स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन बन जाती है, तो वो सिर्फ मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से होता। हाँ, अगर सेकेंड है कि अगर कुछ कोई इंजरी हो, दैट इज़ सेपरेट थिंग, कोई एकदम से जर्क लगा हो, दैट इज़ सेपरेट, बट सबसे कॉमन कॉज जो है वो मस्कुलर स्टिफनेस है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर। आयुर्वेदा में इसका क्या ट्रीटमेंट है? जैसे काटी बस्ती है, पोटली मसाज है। सबसे पहले जैसे हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है? बजाय कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, अगर विदाउट एनी इंजरी है, सिंपल पोस्चर की वजह से डिस्कम्फर्ट है, तो सबसे पहले वी कैन डू दैट हॉट स्टीम टॉवल, हैव सम हॉट वाटर, उसमें टॉवल डिप करके, स्क्वीज करके उसको जस्ट आप उससे उस पोर्शन पे रखें, राइट? तो उससे क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा स्टीम अंदर जाएगा तो वो मस्कुलर जो इन्फ्लामेशन है, जो मस्कुलर स्टिफनेस है, वो रिलीज होने शुरू होता है एंड पेन विल स्टार्ट गोइंग। बजाय हम वो पहले इग्नोर कर देंगे, नहीं कोई बात नहीं सेटल हो जाएगा, राइट? एक दिन देखा, दो दिन देखे, देन बट वो एग्रेवेट, वो हम पोस्चर को अवॉइड नहीं करेंगे तो वो एग्रेवेट होता जाएगा, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले जैसे ही डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट डू दिस स्टेप कि उसको थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन करो। हॉट फर्मेंटेशन से जैसे ही वो स्टिफनेस रिलैक्स हो जाएगी, पेन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो उसमें फिर हमें कुछ भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? अगर फिर भी सपोज आपका दो तीन दिन में पेन परसिस्ट रहता है, देन आप कुछ भी, आप सिंपली लाइट ऑयल मसाज कर सकते हो, ठीक है? इंस्टेड ऑफ जेल्स एंड एवरीथिंग, जस्ट आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को आप नॉर्मली हीट कीजिए और गर्म तेल से आप उसकी लाइट लाइट
उसकी मसाज कीजिए, एंड देन उसके बाद फिर आप हॉट टॉवल कर सकते हैं, उससे भी आपकी मस्कुलर स्टिफनेस पूरी निकल जाएगी, राइट। एंड देन फर्दर ट्रीटमेंट इज इन आयुर्वेदा देयर आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स लाइक पोटली मसाज एंड कटी बस्ती, सो दीज आर क्वाइट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन एनी ऑफ द पेन्स। उसमें पोटली मसाज इज बेसिकली, पोटली इज मेड अप ऑफ हर्ब्स, बंडल ऑफ हर्ब्स, एंड दैट विल फर्स्ट मेक द पाउडर ऑफ हर्ब्स, राइट, एंड देन मेक बंडल, और फिर जब उसकी मसाज करते हैं विल डू इन द वार्म ऑयल, गर्म तेल से उसकी मसाज करते हैं। तो उसका भी मेन मोटिव यही है कि हमें स्टिफनेस को रिलीज करना, जैसे स्टिफनेस रिलीज होगी उसके अंदर से उसकी जो मसल टेंस है, जो टिंगलिंग सेंसेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से, या फिर बोलते हैं कि कहीं नस प्रेस हो रही है, ठीक है, नर्व प्रेसिंग है, तो दैट्स वाई वो ग्रिप नहीं बन रही है, या पेन रेडिएट होता है शोल्डर में, सो दैट इज़ ड्यू टू ऑल दिस थिंग। तो इन चीज़ों से भी हम लोग वो मसल प्रेशर रिलीज करते हैं, मसल स्टिफनेस रिलीज होते हैं, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाता है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। देर इज़ हार्डली नीड टू टेक एनी पेन किलर्स और एनी अदर ओरल मेडिकेशन, इट कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड बाय लोकल ट्रीटमेंट। हम जैसे किसी इंसान को ये प्रॉब्लम हो रहा है नेक पेन का, स्टिफनेस का, तो उसे डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? जब पेन आपका परसिस्ट करता है, राइट, अगर आपका पेन फर्दर परसिस्ट कर रहा है एंड इट्स एग्रेवेटिंग, देन यू शुड नॉट इग्नोर इट एंड विजिट द डॉक्टर। बट उसको ऐसा नहीं है कि आप पेन किलर लेके उसको सप्रेस कर रहे हैं, फॉर द टाइमिंग इट विल सप्रेस, सपोज आज आपका 2 दिन से पेन किलर आप खा रहे हैं, वो 2 दिन में ठीक हो जाता है, बट उसके बाद आपका सपोज 1 वीक के बाद दोबारा एग्रेवेट होता है, तो उस टाइम पे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि दैट टाइम ऑल्सो यू कैन हैव पेन किलर एंड सप्रेस द पेन, राइट। एक बार आप कर सकते हैं, बट अगर दोबारा पेन आता है देन श्योरली यू शुड विजिट द डॉक्टर एंड फर्स्ट अवॉइड द कॉजेटिव फैक्टर। हम जैसे आजकल यूथ को बहुत कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है, लगातार आवर्स ऐसे होते हैं, yes. तो उनके लिए क्या टिप्स है, वो क्या कर सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम ना हो? सी, सबसे पहले एक चीज़ है कि कोई भी कंटिन्यूटी में एक ही पोजीशन में मत बैठे, ठीक है, सबसे बड़ी थिंग, कि नहीं तो आजकल वो कॉर्पोरेट का कोई टाइम नहीं है, तो सुबह से बैठे और शाम को वो लैपटॉप पर ही बैठे रहते हैं, तो उसमें एवरी हाफ एन आवर और 1 आवर जस्ट गो एंड वॉक, मतलब कुछ भी आप चाहे जाके पानी पी के आइए, राइट, या खड़े होकर थोड़ी सी नेक मूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट कीजिए, बिकॉज एक तो स्ट्रांग एसीज इफेक्ट रहते हैं, वो भी एक स्टिफनेस क्रिएट करते हैं, और फिर एक कंटिन्यू पोस्चर में बैठे रहने से भी स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, तो हम एक एक 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा अपनी बॉडी की मूवमेंट करेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस टाइप्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम जैसे घर पे क्या ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं जिससे हमारा मसल स्टिफनेस ना हो? इस डेली रूटीन पे हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट, राइट। नॉर्मल आप जैसे सुबह उठते हैं तो नॉर्मल आप थोड़ा सा नेक मूवमेंट की एक्सरसाइज कीजिए, नेक को पूरा चारों साइड में रोटेट कीजिए, अपने शोल्डर्स रोटेट कीजिए, राइट, एंड देन थोड़ा सा मतलब आर्म्स को रोटेट कीजिए, सो दैट कि इन मसल्स की रेगुलर मूवमेंट हो जाए, तो उसकी वजह से फिर आपको स्टिफनेस नहीं आएगी। और हाँ, ऑफिस में कंटिन्यूटी में मीन्स चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे ऑफिस आवर्स है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बट उनको नॉट टू बी सिट इन कंटिन्यू पोस्चर्स फॉर लॉन्ग आवर्स, ट्राई टू मूव इन बिटवीन, कि हर 1-2 घंटे बाद आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना ही करना है, तो ये एक सबसे बड़ा इफेक्ट है कि इससे आपको कोई मस्कुलर स्टिफनेस नहीं आएगी, आपको पेन नहीं आएगा। अगर किसी टाइम आपको डिस्कम्फर्ट स्पोज स्टार्ट हो जाता है देन डोंट को रिलेट कि जैसे नॉर्मली हमें होता है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा कम कर लिया तो नेक पेन हो रहा है, ठीक है, बट उसको उसी टाइम आप उसको सप्रेस करना, उसको ख़त्म करना शुरू कर दीजिए, मीन्स थोड़े से वर्कआउट बढ़ाइए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए एंड उसको थोड़ा सा हॉट टॉवल कीजिए, तो वो स्ट्रेस आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। मैम हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के। पहला क्वेश्चन है, एक लेडी का, वो 40 इयर्स की हैं, उनको बैक में मिड सेक्शन में टिंगलिंग सेंसेशन होता है और लेफ्ट साइड में होता है, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? फिर टिंगलिंग सेंसेशन तो कहीं ना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने से वो थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तो उनको भी थोड़ा सा हॉट स्टीम टॉवल करें या थोड़ी सी वो ऑयल से मसाज करें, तो उनकी धीरे धीरे वो टिंगलिंग सेंसेशन खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एंड सेकेंड, अगर गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक भी एक एग्रावेटिंग फैक्टर होता है पेन के लिए, राइट,
एंड ट्राई टू क्लियर द स्टमक, ये गैस्ट्रिक नहीं होनी चाहिए एंड ये थोड़ा सा वो हॉट टॉवल करें तो वो एकदम से क्लियर हो। मैम इनका एक और क्वेश्चन है, इनको मॉर्निंग में जब ये उठते हैं तो इनको हाथों में नंबनेस रहता है आर्म्स में पूरा। यस, तो मॉर्निंग का बेसिकली रीजन है कि मॉर्निंग में गैस्ट्रिक टेंडेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम सुबह पूरा पूरी रात रेस्ट करके उठे हैं तो मॉर्निंग में बॉडी शुड बी फ्रेश, बट सम पीपल सेज कि नहीं मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस इसलिए होता है बिकॉज एक तो उसमें हमारा कुछ भी मूवमेंट नहीं रहता है या रॉन्ग पोस्चर की वजह से। कुछ लोग हाथ सिर के नीचे हाथ रख के सोते हैं, राइट, या एकदम से स्ट्रांग एसीज में सोते हैं तो उनको भी टेंडेंसी होती है बॉडी स्टिफनेस होने की। एंड और गेस्टिक जिनकी ज़्यादा टेंडेंसी हो, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो, उनको गेस्टिक वो मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा हो, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्टमक शुड बी प्रॉपरली क्लीन। आयुर्वेद में कहते हैं कि हर चीज़ की, हर बीमारी की जड़ पेट से शुरू हो, तो पेट क्लीन रहेगा आपका एवरीथिंग विल बी क्लीन। कुछ भी मस्कुलर स्टिफनेस नहीं आएगी, कोई टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होगी एंड बॉडी शुड बी ऑलवेज फ्रेश। एंड येस, कुछ भी एक्सरसाइज अगर आप योगा या कुछ भी एक्सरसाइज नेक की कर रहे हैं तो एट दैट पॉइंट तक कीजिए कि जहाँ पे आपको पेन ज़्यादा फील ना हो। अगर पेन ज़्यादा फील हो रही है तो एक्सरसाइज उतनी टेंडेंसी तक उतना फोर्सफुली नहीं कीजिए, बिकॉज वट वी हैव सीन इन आर मीन्स रूटीन क्लिनिकल लाइफ कि वो लोग कि पेन हो नहीं तो भी हमें योगा करना है, हमें ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ एग्रावेट कर देती है पेन को। ऐसा नहीं है कि योगा इज़ गुड, ठीक है, बट अगर पेन नहीं है तो योगा अपनी टेंडेंसी तक, अपने लेवल तक जहाँ पे आप तक कर सकते हैं, किस लेवल तक आपको स्ट्रेच नहीं फील हो रहा है उतना तक आप कंफर्टेबली वाला योगा कीजिए, बट डोंट डू फोर्सफुल कि पेन है नहीं मुझे, मतलब बोला है तो मुझे ये वाला करना ही करना है चाहे पेन हो। धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे तो पेन भी सबसाइड हो जाएगा और आपका एक्सरसाइज भी एक लिमिट तक आ जाएगा। मैम कई लोगों को तकलीफ रहती है कि उनके पैरों में सूजन आ जाती है, क्या ये स्पॉन्डिलाइटिस से ही रिलेटेड है? ये स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड उतना नहीं है पैरों में सूजन आना, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मे बी ड्यू टू एक वेट फैक्टर सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, राइट। एंड सेकेंडली मस्कुलर स्टिफनेस, तो मैंने बोला कि लेग्स में मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से थोड़ी देर पैर लटकाने के बाद में लोगों को पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। एंड सेकेंडली फिर कोई डाइट स्टाइल से गेस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन रहती हो तो पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है, यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम हो तो पैरों में सूजन आता है। ठीक है, सो देर आर कपल ऑफ रीजन्स, तो उसका हमें फिर रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सूजन क्यों है, बिकॉज सूजन किसी ना किसी प्रॉब्लम का सिम्टम रहता है। जो इन्फ्लेमेशन है वो किसी भी प्रॉब्लम का सिम्टम आएगा, इट्स नॉट इट्स सेल्फ इज ए डिजीज ना। जो नेक में भी बोलते हैं कि सिम्टम मतलब इन्फ्लेमेशन, ऐसे पता नहीं चलेगा कि हाँ इन्फ्लेमेशन है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा किसी को टच करते हैं तो वो लगता है कि नहीं यस पेन हो रहा है, इमीजिएट रिस्पॉन्स आता है, राइट। तो वो पेशेंट क्या बोलते हैं कि नहीं हमें तो कुछ था ही नहीं, पेन था ही नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसको टच किया अपने आप को सूजन फील नहीं होता, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर थोड़ा थोड़ा स्टिफनेस आ जाता है तो हल्की फुल्की इन्फ्लेमेशन अगर आती है तो जनरल रूटीन में फील नहीं होता, सो दैट इज़ द रीज़न कि वो इन्फ्लेमेशन क्यों है उसको हमें फैक्टर फाइंड आउट करना। थैंक यू मैम, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपके इन पॉइंट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे निरोग, स्टे हेल्दी।